तो जैसे कि मैं कह रहा था पाइथागोरस थ्योरम में आपको पहले थोड़ा एक्चुअली उससे पहले थ्योरम जानना चाहिए, क्योंकि हम सिक्स चैप्टर सिक्स जो है कंप्लीट नहीं किए, पढ़े ही नहीं एक्चुअली, कंप्लीट पढ़े ही नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा डायग्राम। और जैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए थ्योरम 6.8 पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल एट बी। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, इसका राइट एंगल बी पे है, और बी से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे। बात यहाँ तक क्लियर? हेलो, अरे आवाज जा रहा है तो? हाँ चलिए, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहले देखिए यहाँ पे जो बड़ा ट्रायंगल है, हाँ लिख देना, कंस्ट्रक्शन लिखना, ड्रॉ ए ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, इतना लिख दूंगा काफी है, मैं लिख दूंगा अभी। देखो करना क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए आपके पास एक बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी और दो छोटे ट्रायंगल्स, तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल को एक सिमिलर करो इनके साथ। पहले ए बी डी को सिमिलर करो ए बी सी के साथ, और फिर बी डी सी को सिमिलर करो ए बी के साथ। तो सिमिलर करेंगे तब हमको जाके साइड सीन का प्रोपोर्शन मिलेंगे, ठीक है, तब होगा। लेकिन एक चीज आपको सीखना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं जब सिमिलरिटी हम प्रूव करते हैं, क्योंकि ये अपना एक्सरसाइज 6.3 में था, हम पढ़े नहीं इसलिए आपको पता नहीं कि हम सिमिलरिटी कैसे प्रूव करते हैं। देखिए मान लीजिए दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका नाम लिखना। वाह, मान लीजिए एंगल ए जो एंगल पी के साथ इक्वल है, एंगल सी इक्वल है एंगल क्यू के साथ, और एंगल बी जो है एंगल आर के साथ इक्वल। मान लीजिए ये ट्राइंगल का नाम मैं लिख दिया ए बी सी, ये ट्रायंगल का नाम मैं ए बी सी लिखा, तो ये ट्रायंगल का नाम क्या लिखूंगा, इसी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ जो इक्वल होगा उसके साथ नाम लिखूंगा। इधर ए बी सी लिखा हूँ पहले, तो ए के साथ इक्वल कौन सा बताओ, ए के साथ इसका कौन सा इक्वल है, पी। पी के साथ कौन सा इक्वल है, क्यू पी आर क्यों लिखूंगा, क्यू पी आर के लिखूंगा। इधर पहले क्या लिखा हूं, कौन सा एंगल लिखा हूं, ए। तो इधर कौन सा एंगल ए के साथ, इसमें कौन सा ट्रायंगल इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है ए के साथ, यहाँ पे लिखा हूं बी, बी का, हाँ बी के साथ कौन सा एंगल इक्वल है, फिर लिखा हूं सी, सी के साथ कौन सा एंगल इक्वल है, ऐसे नाम लिखना पड़ेगा। जब तक आप ये नाम सही नहीं लिखेंगे तब तक आपका सिमिलरिटी सही नहीं होगा, सिमिलरिटी सही नहीं होगा तो एंगल का नाम से क्या बोलते हैं साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आएंगे। चलिए और एक बार देखते हैं ट्राई। मान लीजिए बी सी ए लिख दिया मैं, ट्रायंगल बी सी ए इधर लिखा, तो एंड क्या करूंगा, इसमें क्या लिखूंगा नाम, कौन बता पाएगा, एक कौन बोलो, मैं बता, आंसर नहीं बोलना, कौन बता पाएगा बोलो। चलो शर्मिष्ठा बोल दो यहाँ पे बी सी ए, चलो शर्मिष्ठा पहले बोल ले रही है, लेडीज फर्स्ट, यहाँ पे गर्ल्स फर्स्ट है, बोल दो क्या होगा बी सी ए, बी सी इधर लिखा हूं तो इधर क्या, बी के साथ इक्वल था आर, चलो सी के साथ इक्वल था क्यू, बचा क्या, समझ में आ रहा है ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है, बात समझ रहे हो, हाँ बोलो एक दिन बोलो, हाँ देवांश बोलो, बी का क्यू कैसे होगा भाई, एंगल बी तो आर के साथ इक्वल है देवांश, यहाँ पे तीन आर्क बने हो, आर में तीन आर्क बने हो, देख रहे हो, चलो यहाँ पे सपोज ए सी बी है तो कौन सा, नहीं भाई कुछ इक्वल नहीं, हम देख रहे हैं
इसका नाम जैसे लिख रहा हूँ सिमिलरली इसका नाम भी होना चाहिए। इसमें जो जो एंगल्स लिखा हूँ जिस तरफ से, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, जरूरी नहीं इक्वल हो, लेकिन इसका एंगल जैसे लिखा हूँ उसका एंगल भी ऐसे होना चाहिए। देखो ए लिखा हूँ, ए किसके साथ इक्वल है बोलो, एंगल ए इसमें किसके साथ इक्वल है, तो पहले पी लिखूंगा ठीक है। सी किसके साथ इक्वल है, बचा क्या आर, पी क्यू आर बचा। कुछ मेंशन नहीं होगा, अभी अभी करूंगा, जान जाऊंगा कैसे पता चलेगा। चलो तुम्हारा डाउट खत्म, मेरा चाय खत्म, अब मजा आएगा करने में, करते हैं हम। चलिए इसे मिटाइए। ईसा कहाँ गए, ईसा 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 है कि, हाँ ऐसा बेटा, वो दोनों तुम्हारा डाउट ना मैं नेक्स्ट क्लास जब साइंस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा ठीक है। दोनों दोनों में टेट्रावेलेंट है, दोनों में टेट्रावेलेंसी है। उसका उसका ये है कि कार्बन बहुत जल्दी अपना बॉन्ड बना लेता है और वो लोग अपना जल्दी सेल्फ बॉन्डिंग उनका नहीं है, बस यही डिफरेंस है, लेकिन दोनों में टेट्रावेलेंसी है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वाह ऐसा, चलो अभी इसमें ध्यान देते हैं। तो मैं जैसे बोला था गिवेन हम लोग लिख लेते हैं। गिवेन हमारे पास क्या है भाई, मैं ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और टू प्रूफ क्या करना है हमें, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा सेटिस्फाई, इसके लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ए बी सी के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कल सब ठीक से लिखना, एग्जाम देना अच्छे से ठीक है। चलो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बढ़िया। तो कंस्ट्रक्शन में लिख दो, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। हम बी डी एक परपेंडिकुलर बनाए हैं ए सी के साथ, तो ये सब तो दूर का बात है। पहले हमें एक्चुअली देखो, एक्चुअली इस पहले से इसके मतलब ये थ्योरम 6.8 है ना, 6.8 थ्योरम में ही बता दिया है कि अगर आपका एक परपेंडिकुलर से एंगल आता है तो दोनों एंगल सिमिलर होगा, ये बता दिया, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे 6.7, हम प्रूव करेंगे। तो मैं आपको क्या बोला था, छोटा वाला ट्रायंगल को पहले प्रूव करना पड़ा के साथ इक्वल, इधर वाला फिर इधर वाला एंगल को प्रूव करना पड़ा वाला के साथ, समझ रहे हो मेरे बात। हेलो हाँ, तो पहले छोटा ट्रायंगल को देखते हैं, छोटा ट्रायंगल कौन सा है बताओ, इस तरफ आपको छोटा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है भाई। हाँ नहीं, लेफ्ट वाला ए बी डी, बढ़िया ए बी डी आपको दिख रहा है। चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल को मुझको प्रूव करना है किसके साथ, बड़ा वाला ट्रायंगल। थोड़ा देखो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ ताकि नाम समझ में, ऐसा था ए बी डी यहाँ पे था और ए बी सी यहाँ पे था ठीक है, बढ़िया। जो एंगल इक्वल दिख रहा है देखो, एंगल डी यहाँ पे कितना है ट्राइंगल में, तो बड़ा वाला 90 डिग्री, बड़ा वाला एंगल में, बड़ा वाला ट्राइंगल में 90 डिग्री कौन सा है, बात समझो बात समझो अच्छा से। यहाँ पे डी आखिरी में लिखा था तो बी को भी आखिरी में लिखूंगा, सही है। एंगल ए तो दोनों में कॉमन ही है, छोटा एंगल, छोटा ट्रायंगल में भी एंगल ए है और बड़ा में भी एंगल है, तो एंगल ए पहले लिखा था तो एंगल ए लिख गया पहले, बचा क्या सी। तो ट्रायंगल का नाम समझ में आया कैसे हुआ, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ये बात क्लियर समझ में आया सबको, नाम कैसे किया। तुम डायग्राम देखो, डायग्राम के हिसाब से नाम करो ठीक है। ए बी डी दिया था छोटा वाला ट्रायंगल का नाम, तो इसका एंगल ए किसके साथ इक्वल था फिर मिस्टर, हाँ ये छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल ए बड़ा वाला के साथ किसके साथ इक्वल था, ए के साथ। बी किसके साथ इक्वल था, नहीं बी बी के साथ इक्वल होता है, यहाँ पे बी तो पूरा एंगल है, यहाँ पे बी तो हाफ है इसमें, ये बस इतना है, और इस ट्रायंगल में तो पूरा है, कंप्लीट एंगल है, तो इक्वल नहीं हो सकता, तो बी का जगह छोड़ देता हूँ। देखा डी, डी इस छोटा ट्रायंगल में 90 डिग्री है, बड़ा ट्रायंगल में कौन सा 90 डिग्री है, बी, तो बी आ बचा क्या सी, बी से लिखूंगा, हो गया ट्रायंगल ए सी बी। अब ऐसा चलो तो बस सिमिलर प्रूव कर देते हैं, सिमिलर के लिए दो एंगल एंगल होने से काफी है, दो अगर एंगल इक्वल हो जा रहा है ना तो वो सिमिलर हो जाता है ठीक है।
तो दो एंगल दिखा देते हैं, कौन कौन सा एंगल हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन आ गया, क्या गड़बड़ होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए भाई कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए है, और एंगल क्योंकि अभी पहले एक्सरसाइज नहीं पढ़े 6.4 इसलिए आपको इतना तकलीफ हो रहा है, वो पढ़ ले लेते हम तो कितना प्रॉब्लम नहीं होता। और दूसरा था ए डी बी जो है इक्वल किसके साथ है, ए बी सी के साथ है, क्यों दोनों कितना डिग्री है भाई 90 डिग्री, तो अगर दो एंगल देवांश क्या तुम भी 9 क्लास में नहीं पढ़े, हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते बताओ। हाँ मतलब हो जाता है एंगल डी में तो ये भी है और एंगल डी में तो ये भी है, कौन सा एंगल डी, इसलिए पूरा मेंशन करना पड़ेगा। तो दो एंगल इक्वल हो गया तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है, यह होता है सिमिलर का साइन, ट्राइंगल ए सी बी के साथ किसे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इक्वल है। देखिए सबको ये देखिए अच्छा से, आप पहली बार कर रहे हैं इसको रट लीजिएगा अच्छा से। अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं ना तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, हेलो हाँ प्रोपोर्शनल, हाँ बोलिए हाँ भाई पढ़ाऊंगा भाई पढ़ाऊंगा, ऐसा है पांच जैसे चार पांच ठो चार ठो, अभी अभी हमारा एक ही काम है हाँ, दे अभी खाली एंगल एंगल में हो जाएगा, तो साइड्स प्रोपोर्शनल आता है प्रोपोर्शनल। अब साइड्स देखो कैसे नाम लिखना है, देखो इसका भी तरीका है नाम लिखने का, नाम लिखने का तरीका क्या है, ए बी जो है इक्वल किसके साथ हो जाएगा भाई, ए बी बाय ए सी, पहला दो साइड बाय पहला दो वर्टेक्स बाय पहला दो वर्टेक्स, कैसे लिखोगे ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू आखिरी का दो बाय आखिरी का दो, आखिरी में क्या था इसका बी डी बाय सी बी, पहला और आखिरी बाय पहला और आखिरी, मतलब क्या हो गया ए डी बाय ए बी, बात समझ में है, ये कैसे साइड्स लिखा समझ में है, साइड्स प्रोपोर्शनल कैसे क्या, देखो मान लो ट्रायंगल का नाम 1 2 3 एंड 4 5 6 है, तो इसका अगर दो सिमिलर आप प्रूव कर देते हैं, अगर दोनों को सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो आपको कैसे लिखना, देखिए पहला दो बाय पहला दो मतलब 1 2 बाय 4 5, फिर लास्ट का दो बाय लास्ट का दो, लास्ट का दो में क्या है 2 3 2 3 बाय 5 6, फिर फर्स्ट और लास्ट बाय फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट में क्या नाम था 5 4 6, यहाँ पे स्कूल में कोर्स खत्म हो गया, पर तुम नहीं जान रहे हो नाम लिखना, चलो ठीक अच्छा अब इसके बाद आपको, अब इसके बाद आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई किन दोनों को करेंगे, यहाँ पे तो तीन आ गया, दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देख लेना कॉमन दोनों में क्या है, मतलब यहाँ पे ए बी है यहाँ पे भी ए बी है, समझ लो बात, हेलो तो इन्हीं दो को क्रॉस, इन्हीं दोनों को हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इंप्लाइज क्या मिल गया ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू ए डी बाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्या मिल गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, लेट इट बी इक्वेशन वन, यहाँ तक बात क्लियर, कहीं डाउट कैसे होगा उसको, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्वायर नहीं मिल रहा है, हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, हमें हमारा मेन एम क्या है, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर मुझको चाहिए था, तो मैं देखा ए बी दो जगह कहाँ है, यहाँ पे ए बी है यहाँ पे ए बी, इन दोनों को क्रॉस किया, ठीक है समझ में आया बात, चलो तो अब तो हम क्या किए एक छोटा ट्रायंगल को प्रूव किए बड़ा के साथ इक्वल, अब क्या करना है दूसरा को भी प्रूव करना है, ठीक है ना, तो अब दूसरा को प्रूव करते हैं, ये नाम ए था, तो अब दूसरा वाला कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम बोलो बीडीसी, देखो तुम्हारे हिसाब से मैं नाम लिख दे रहा हूँ बीडीसी, तुम बोले मैं बीडीसी लिख दिया, अब इसी हिसाब से हम दूसरा बड़ा ट्रायंगल का नाम अरेंज करेंगे,
ये हो गया BDC, ये डी एंगल 90 डिग्री है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, एंगल भी 90 डिग्री। मैं जिसे पूछूंगा वो नाम बोलेगा। वाह, अच्छा पहले ये बता दो कौन कौन नाम बता पाएगा कैसे ये को। हाँ पहले बोलो कौन कौन बोल पाएगा उसे मैं पूछूंगा। शंकर, देवांश, स्वागत, अस्मित बोला, और कोई नहीं बोला अस्मित के बाद। एक मिनट, ये एस पर कौन है भाई, छुप गया भाई, मैं देख। हाँ शिवानी बोली सर। तो कौन बोलेगा कौन बोलेगा कौन बोलेगा, तो सत्यजीत बताओ। सत्यजीत, ओ सत्यजीत, हेलो। हाँ भाई नाम बोलो। अगर छोटा वाला ट्रायंगल का नाम BDC है तो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या होगा? अरे भाई राइट या रॉन्ग कुछ तो होगा, बोलो कौन सा। मैं यहाँ पे हूँ देखने के लिए, बोलो सतीश। अगर नाम नहीं बोल पा रहे तो उसको बगल में रखे रहना कल एग्जाम देने टाइम, ये तो मुश्किल होगा। कौन बोल? हाँ हाँ क्या बोल, क्या बोले क्या बोले भाई? TA? नहीं भाई गलती बोल रहे हो, CBA तो नहीं होगा। हाँ ऐसा बोलो। हाँ DCB? नहीं ऐसा DCB तो गलत हो रहा है, देख लेते हैं, चेक करते हैं। तुम बोले DCB ना, चेक करते हैं राइट बोले या नहीं, चेक कर रहा हूँ। हाँ DCB, चलो देखते हैं। यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री था, ये सॉरी छोटा में एंगल बी, एंगल बी तो किसी अधिक को नहीं छोड़ दिया, छोटा ट्रायंगल में AB। अरे वो बोली मैं चेक, वो बोली मैं चेक कर रहा था ABC ना। ईशा क्या बोली? ईशा ठीक है, अच्छा ABC बोले, मुझको DBC सुनाई दिया, सॉरी अब सही है। चलिए B तो किसी का इक्वल नहीं था तो छोड़ दिया, B का जगह पे कुछ नहीं लिखा। एंगल D इसमें 90 डिग्री है और इसमें 90 डिग्री B है, तो सेकंड प्लेस पे लिख दिया क्योंकि डी सेकंड प्लेस में था तो बी भी सेकंड प्लेस में लिख दिया। एंगल सी कॉमन था तो एंगल सी आखिरी में लिख दिया, तो बचा क्या ए। अब नाम सही है ना, ABC। बाकी वही एंगल एंगल से प्रूव हो जाएगा, वही सेम एंगल सी इक्वल टू एंगल सी भाई कॉमन, और एक 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री? एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, क्यों भाई दोनों 90 डिग्री है। अगर ऐसा हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। तुम देख लेना, अगर तुमको मेरा बात पे विश्वास नहीं, सिमिलरिटी तुम चेक कर लेना। ये ला बहुत चीज कम, बहुत कम बच्चों को ऐसे पता होगा सही से नाम लिखना। वाह, ये तुम्हारा बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत कम को पता रहता है नाम सही से लिखना, सिमिलरिटी तुम चेक कर सकते हो। बाकी बोलो। अबे देवान तेरे कब क्या पूछने, तेरे को पता नहीं रहता है क्या? अबे भाई एक नंबर करने से स्कूल खुलेगा कि नहीं? अबे खुलेगा तो मैसेज आएगा ही नहीं खुलेगा स्कूल। देवांश नहीं खुलेगा। हाँ भाई हाँ आयुष्मान पूरा अलग आचे। देखो एक मिनट, ये चीज मैंने नहीं बताया, इस सब पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर 6 में पढ़ाया नहीं हुआ, चैप्टर 6 को सोचना भी नहीं मैं पढ़ाया हूँ, अलग से पढ़ाऊंगा पूरा अच्छे से। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है ना, दोनों ट्रायंगल पूरा इक्वल होते हैं, रेस्पेक्टिव ऑफ सारा। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 6 है तो ये 6 होगा। ये आयुष्मान का डाउट है मैं बता रहा हूँ। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है, एक ट्रायंगल इतना छोटा है और दूसरा ट्रायंगल इतना बड़ा है, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बोल सकते हैं। इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, मान लो अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 3 जा 6, ये 3 है तो ये 3 3 जा 9, ऐसा इसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब सिमिलर है, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट मतलब पूरा इक्वल है, पूरा इक्वल, मिरर इमेज जिसे बोलते हैं वो कॉन्ग्रुएंट में होता है, ठीक है ना? और छोड़ो बात अलग, तो ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो गया तो इनका साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, तो कौन बता पाएगा इसका साइड्स प्रोपोर्शनल? हाँ बोल दे, तू ही बोल। CD बाय AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू, इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा,
किन दो को प्रश्न, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि BC का स्क्वायर मिल जाएगा मुझको, स्क्वायर चाहिए। तो DC/BC इज इक्वल्स टू DC/AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, BC² इक्वल्स टू DC × AC। क्वेश्चन 2। हाँ बोलिए। नहीं, कुछ लिखना नहीं, डायरेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, अब दोनों इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको मिल गया होगा, लिख रहे होंगे आप लोग। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों को ऐड कर दें हम, वी गेट क्या मिला भाई, LHS में क्या है, AB² + BC² इज इक्वल्स टू, इसमें है AC × AD, AC × AD प्लस DC × AC। आपको मिल गया AB² + BC² क्या कॉमन दिख रहा है भाई, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जल्दी बोल दीजिए। AC कॉमन दिख रहा है, AC कॉमन दिख रहा है, तो आ गया AD + DC, तो मिल गया AB² + BC² इक्वल टू AC × AD + DC। क्या होगा डायग्राम देख के बताइए, AD + DC क्या होगा, बढ़िया। तो AC × AC यह मिल गया आपको AB² + BC² इक्वल टू AC² हेंस प्रूव। आपका टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो ये जो सिमिलरिटी दिया है वो नहीं किया है, ठीक है ना, सिमिलरिटी नहीं करके डायरेक्ट आपका थ्योरम 6.7 यूज करके लिख दिया है, पर आप ऐसे इसको यहाँ पे प्रूव कीजिएगा, ठीक है। प्रूव करने से क्या होता है, मार्क सफिशियंट मिलता है, नहीं तो डायरेक्ट लिख देने से हमको टीचर मार्क काट देता है कभी कभी। एक बार थ्योरम अच्छे से देखिए, और जिनको अभी थोड़ा बहुत ये थ्योरम नहीं समझ में आया, मैं समझ रहा हूँ बहुत जिनको नहीं समझ में आएगा, ट्रायंगल का सिमिलरिटी का नाम लिखना या फिर कुछ, तो थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा, लेकिन जैसे भी कीजिए रखिए याद, ठीक है, कल जिनका एग्जाम है उनके लिए, और जिनको नहीं याद है कोई बात नहीं, हम तो फिर से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। चलिए बताइए, अब आप किसका क्या क्या डाउट है मैथ में। अच्छा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा मेरे हिसाब से। और क्या क्या डाउट है देखिए थोड़ा बताइए, किसी बच्चा कुछ डाउट टॉपिक यहाँ बिल्कुल नहीं आता बोला बात। हेलो बोलो। हाँ, T जो 3 सेकंड्स निकलता है। एक खाली क्वेश्चन पढ़ देना, मैं डायग्राम बना देना। हाँ नहीं पता रे भाई, अब सर बनाया, मैं क्वेश्चन देखता भी नहीं हूँ सर का, क्या ना क्वेश्चन देखने से बात बन जाता है ना, कि मैं किसको बता दिया नहीं बताया, मैं देखा ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिए सर, एक दो क्वेश्चन बाहर का छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन अच्छा देता है, उसका इश्यू नहीं, तुमको अपने आप को जज करना है। बाहर का क्वेश्चन देते हैं, बाहर का मतलब क्या,
नहीं पता भाई, मैं उनको फॉर्मेट क्या बताएं सर, देख लेने को सर क्या फॉर्मेट बताएं। और मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल कोशिश में नहीं देखा हूँ, और देखने से भी मेरा मन नहीं, पता नहीं। दो सेक्शन मेरे को भेजेंगे, दो सेक्शन अपडेट शुरू कर। अच्छा ठीक है, मेरा तो बहुत पेंडिंग रह गया, अब तक चेक नहीं किया हूँ। 9th का चेक क्या होता है, 10th का फिजिक्स चेक करना है, 12th का मैथ, 11th का मैथ, 10th का मैथ, फंस जाऊंगा इतना चेक करने में। क्या बोले, तो हम ऐसे सीन नहीं किया हूँ। सच में हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ एक ही बार में कर देंगे। क्या बोले भाई, अच्छा अरे अरे सॉल्व करना, सॉल्व करना सर, मार्क काट देते हैं, बोलते हैं सॉल्व नहीं किए हो, सॉल्व कर लेना। अरे सर मिस्टर क्वेश्चन बता रहे थे, बड़े बोलो। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, बोलो। हाँ ठीक है, मैं ये समस्या बता दे रहा हूँ उसका त्रिपाठी के पास, बताओ समस्या। हाँ डिप्रेशन कितना, 30 डिग्री ना, ठीक है तब आफ्टर 6 सेकंड्स। हो गया हो गया, हाँ सर मिश्रा हो गया। चलिए तो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। एक टावर है आपका, मान लीजिए ये भी एक टावर है, यहाँ पे आदमी खड़ा था, वो देखा कि भाई एक कार आ रहा है, ठीक है एक कार आ रहा है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले कितना 60 डिग्री में है, 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री हो गया। बोला है कि यहाँ इस पॉइंट से, मान लीजिए सी और डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट से डी पॉइंट तक आने के लिए उसको कितना समय लगेगा, हमें टाइम निकालना है, हमें टी से मतलब। लेकिन यहाँ पर डाटा हमें टी में दिया, और टी से हमारा कोई काम नहीं, हमारा हमको टाइम से नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्पीड, सॉरी हमें चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं हम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, कितना स्पीड में जा रहे हैं, कितना समय के लिए जा रहे हैं, उतना आप डिस्टेंस कवर करेंगे। तो हम लेते हैं लेट जो गाड़ी है, एट द स्पीड भी एक्स, हम स्पीड उसका एक्स मान लेते हैं, और टाइम उसको डी से बी जाने के लिए कितना लग रहा है, 30 सेकंड्स लग रहा है। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हुआ, आप अगर आपको डिटेल सोल्यूशन देखना है तो आप देख सकते हैं, जो मैं पहले कर रहा था समझाने के लिए डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो सी डी क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम मतलब ये जाएगा 6x, और ये डी बी क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है एक्स टाइम है टी, तो ये हो जाएगा टी एक्स। बात समझ रहे, तो पहला ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा इंटर एंगल, पहला ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, ए बी डी हमें मिल गया परपेंडिकुलर बाय बेस 10, तो 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ए बी, सपोज इसको हाइट मानते हैं एच, या हाइट ऑफ द टावर एच है, हाइट बाय बेस, बेस हो गया एक्स टी। 10 60 का वैल्यू कितना है, 10 60 √3, तो हो गया √3 इज इक्वल टू एच बाय एक्स टी, या एच इक्वल टू √3 XT, इक्वेशन 1। चलिए अब फिर बड़ा ट्रायंगल ले आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, वही 10 30 इक्वल टू ये हो जाएगा एच बाय बेस हो जाएगा एक्स टी प्लस 6x ना, टोटल आ जाएगा ना बेस, तो ये हो जाएगा 1 √3 इक्वल टू एच बाय एक्स टी प्लस 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एच का वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर मिश्रा, 3 सेकंड्स निकलेगा। हेलो क्या बताया आयुष्मान, क्या डाउट था भाई, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम तो नहीं आएगा साथ तक ना, क्या रहा है। चलो ठीक है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम देख लो, लेकिन उसका एग्जाम्पल 10 देखना आयुष्मान, अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम देख रहे हो तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक वाला नहीं, एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अगर पानी का फ्लो के साथ बोट जा रहा है, बोट भी उसी फ्लो में जा रहा है, उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और उसका अगर अपोजिट में आता है, पानी का अपोजिट में अगर बोट जा रहा है, तो उसे कहते हैं अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम
ट्रांजिस्टर में बोर्ड का स्पीड एक्स ना इसे वाई लेना, तो ये प्लस हो जाता है, ये हो जाता है एक्स प्लस वाई, इसका स्पीड एक्स और इसका वाई, तो इसमें माइनस हो जाता है एक्स माइनस वाई। बस इतना याद रखोगे कंसेप्ट तो हो गया, ठीक है। बाकी आयुष्मान वाला एग्जाम्पल एक, वाह ये बोर्ड गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कितना रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम, थोड़ा देख लेना वो नंबर इंपॉर्टेंट लगता है अगर आएगा तो। 3.6 सबसे देख लेना, मेरे हिसाब से वो नहीं आ रहा, वो सब नहीं आ रहा क्योंकि वो कोर्स में नहीं है। बाकी पता नहीं सर देंगे कि नहीं देंगे, नहीं चैप्टर 4 का नहीं है, 3 है, चैप्टर 4 नहीं है सर। फिर और क्या बताइए, और किसका क्या डाउट? बोलो। कौन सा नंबर? अच्छा लाइट हाउस बोला तो 70 डिग्री में आ रहा, कितना आ रहा लाइट का रिफ्लेक्शन? क्या क्वेश्चन है मेरे को याद नहीं, थोड़ा पढ़ा नहीं। सर ये निकालना है और क्या, कीजिए पहले एट एंगल ले जाओगे 10 थीटा करके, तो ये मिल जाएगा तुमको कितना 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया ना, मैं डायग्राम उल्टा बनाया, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, जितना पास जाएगा उतना एंगल बढ़ेगा। हाँ तो ये पहले ये टैंगल ले लेना, वाह ए बी सी टैंगल लेना 10 थीटा करके, तो ये इसका बेस मिल जाएगा 75, फिर पूरा बड़ा टैंगल लेना 10 6 10 30 कर देना, वहां से मिल जाएगा एक्स, एक्स निकालना हमें 75/x+75 ऐसा कुछ होगा, 75 √3 - 1 या √3 + 1 आंसर है। कल देखो जैसा भी क्वेश्चन आता है करो अच्छे से, वाह कोई एक्सट्रीम हार्ड क्वेश्चन आ गया तो बताना मुझे, देखिए। और क्या 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 नहीं, ऐसा एग्जाम देने का नहीं, अगर आंसर तो नहीं बता पाऊंगा कुछ, अगर क्या बोलते हैं हाँ अगर कुछ उसमें हाँ, अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ तो पूछ, पर मैसेज मैसेज कर देना हुआ ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसे फोन करोगे तो नहीं लगेगा ठीक है, मैं वॉइस मैसेज दे दूंगा ठीक है। अच्छे से पढ़िए आप लोग, कल एग्जाम दीजिए, और कल तक अगर सुबह तक जब भी कुछ भी डाउट होता है तो